हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी आसर यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, 10th ऑफ मार्च को रियलमी अपनी रियलमी 9 सीरीज में दो नए स्मार्टफोन जो है इंडियन मार्केट्स में लॉन्च करने वाले हैं। रियलमी 9 5G भी लॉन्च होगा, रियलमी 9 SE 5G भी लॉन्च होगा। तो जो SE 5G स्मार्टफोन है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो आज की वीडियो में इसके इंडिया वाले वेरिएंट के कंप्लीट स्पेक्स आपको बताने वाला हूं, क्या प्राइस पॉइंट पे आने वाला है, किस किस को यहां पर ये स्मार्टफोन का वेट करना चाहिए, कंप्लीट डिटेल यहां पर देने वाला हूं। तो कर देना वीडियो को लाइक। वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हम 3000 लाइक्स का। आई होप कि आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बता दूं यार, रियलमी एसी का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पर है रियलमी स्पीड एडिशन। जी हाँ, एसी का जो फुल फॉर्म है यहाँ पर स्पीड एडिशन है, यानी एक 5G डिवाइस यहाँ पर रहने वाला है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करें, फटाफट से जो है ये स्मार्टफोन के कंप्लीट स्पेक, फर्स्ट लुक, सारी चीजें यहाँ पर बता देता हूँ। पिलर डिजाइन की अगर हम बात करें तो बैक पैनल अगर आप देखोगे, यहाँ पर आपको ट्रिपल लेयर कैमरे का सेटअप है, फ्लैश दी गई है, रियलमी की ब्रांडिंग है, टिपिकल रियलमी वाला डिजाइन है। बैक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगेन पॉलीकार्बोनेट बॉडी देखने को मिलेगी। डिस्प्ले की अगर बात करें तो यहां पर आपको 6.6 इंच का एक पंच होल के साथ में 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में एक आईपीएस डिस्प्ले मिलेगा, फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ में। तो अब तक के नंबर सीरीज में जितने भी हायर रिफ्रेश रेट है, सबसे ज्यादा यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, जो कि काफी बढ़िया बात है। रैम एंड रोम की अगर हम बात करें तो 6GB 8GB यहां पर आपको अलग अलग वेरियंट मिलेंगे, ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिलेगा, जो कि काफी बढ़िया बात है। प्लस यहां पर आपको UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप एंड LPDDR4X वाला रैम टाइप भी देखने को मिल जाएगा। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, जो क्या आप बोल सकते हैं ये स्मार्टफोन का USP है ये प्राइस पॉइंट पे, आज से पहले मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ब्रांड ने आपको डायरेक्टली ऑफर प्रोवाइड कराया है, क्योंकि यहां पर आपको स्नैपड्रैगन का 778G वाला चिपसेट मिलेगा, क्योंकि 6RM टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। जनरली हम ये जो 25-30 हजार रुपए की कैटेगरी में ये चिपसेट को देखते हैं, लेकिन ये अंडर 20,000 रुपीज में पहला स्मार्टफोन शायद बन सकता है। तो परफॉर्मेंस यहां पर आपको काफी तगड़ी देखने को मिलने वाली है। कैमरास की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको बैक में ट्रिपल लेयर कैमरे का सेटअप मिलेगा, 48+2+2 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा यहाँ पर आपको 16 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। एंड्रॉइड वर्जन एंड यूआई की अगर हम बात करें तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 11 मिलेगा, रियलमी यूआई 2.0 पे यहाँ पर ये रन करेगा। सेंसर्स यहाँ पर आपको सारे देखने को मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक का फीचर, 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट भी मिलेगा, एंड बॉटम फायरिंग सिंगल स्पीकर मिलेगा, डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट नहीं है। बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगेन आपको 5000 एमएच की बैटरी मिलेगी टाइप सी पोर्ट के साथ में, एंड 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। एंड आउट ऑफ द बॉक्स जो आपको फास्ट चार्जर भी देखने को मिलने वाला है। तो गाइस, ये पूरा आपको कंप्लीट स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेंगे अपकमिंग Realme 9 SE 5G स्मार्टफोन पे। अब बात कर लेते हैं भाई, क्या प्राइस पॉइंट पे यहां पर ये लॉन्च हो सकता है। तो 698 वाला बेस वेरिएंट है, इंडिया में बताया जा रहा है 19-20,000 रुपए की रेंज में आपको देखने को मिलने वाला है। मे बी ऑफर वगैरह कार्ड वगैरह का अगर वो लोग देते हैं तो और चीप में आपको देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली अंडर 20,000 ही ये स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेगा, एंड चीपेस्ट स्मार्टफोन बन जाएगा 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में 778G, वो भी अंडर 20,000 रुपीज। तो ये काफी तगड़ी चीज लग रही है। तो कैमरा जिसको पसंद है भाई, वो लोग तो यहां पर इससे दूर रहना, लेकिन जिसको परफॉर्मेंस चाहिए अंडर 20,000 रुपीज में, प्लस 5G चाहिए, अच्छे खासे 5G बैंड एंड हायर रिफ्रेश रेट वाला बहुत ही कमाल की गेमिंग एक्सपीरियंस चाहिए, तो डेफिनेटली ये स्मार्टफोन का आप इंडिया लॉन्च का वेट कर सकते हैं। 10 मार्च को आपको ये स्मार्टफोन इंडियन मार्केट्स में देखने को मिल जाएगा। वैसे गाइस, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना रियलमी 9 SE 5G के स्पेक्स यहां पर आपको कैसे लगे, एंड क्या ये 19-20,000 रुपए की कैटेगरी में आएगा, तो आप जाओगे इसके साथ में या नहीं जाओगे, या आपको लगता है ये मार्केट में कंपीट कर पाएगा नहीं कर पाएगा। जो भी आपके ऑनेस्ट ओपिनियन है मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो आई होप कि सबको वीडियो पसंद आई होगी, एंड गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।